राजस्थान दिवस हार्दिक बिल्कुल आ पटेल। रही है, आ जाऊं? जो सीधी तस्वीरें आप देख रहे हैं, दरअसल ये तस्वीरें हैं कालीबाग की, जहां जनाजे की नमाज के बाद शव को दफनाने की प्रक्रिया शुरू होगी। फिलहाल नमाज अदा की जा रही है, जनाजे की मुख्तार अंसारी को सुपुर्द खाक किया जा रहा है। कालीबाग में सुपुर्द खाक, जनाजे की नमाज के बाद शव को दफनाया जा रहा है गाजीपुर के कालीबाग में। भारी पुलिस तैनात, इस बात को ध्यान रखा जा रहा है कि कोई भी माहौल बिगाड़ने की कोशिश ना करे, किसी भी तरह की गफलत ना हो, सुरक्षा में कोई चूक ना हो। फिलहाल ये तस्वीरें गाजीपुर के कालीबाग की, जहां भारी पुलिस बल तैनात, और ये तस्वीरें जनाजे की नमाज अदा करने की। सुपुर्द खाक होगा अंसारी, द एंड हो चुका है, आज मिट्टी में भी खाक हो जाएगा अंसारी। चाहे अंसारी के घर की बात हो या फिर पूरे इलाके की, या कालीबाग की या गाजीपुर की, हर तरफ सुरक्षा तैनात की गई है, चौकसी बढ़ा दी गई है, पूरे तरीके से सुरक्षा में तैनात जवान, ताकि कोई भी चूक ना हो, उनके परिवार वालों को भी किसी तरह की कोई परेशानी ना हो। इसे लेकर उत्तर प्रदेश की पुलिस तैनात, सीधी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, सुपुर्द खाक किया जाएगा। और दूसरी तरफ अंसारी के जो समर्थक हैं, परिवार के लोग हैं, वो भी नारेबाजी करते हुए नजर आए, लेकिन सुरक्षा का हवाला दिया गया है, कोई भी सुरक्षा में चूक नहीं होनी चाहिए, इसका ध्यान रखा जाएगा। और इसलिए मुख्तार अंसारी को सुपुर्द खाक से पहले जो जनाजे की नमाज है वो अदा की जा रही है। सीधी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। हालांकि मुख्तार के घर समर्थकों का हुजूम भी उमड़ता नजर आ रहा है, जनाजे की नमाज अदा की जा रही है। और इसमें भी एक और खास बात ये कि कब्रिस्तान में सिर्फ परिवार के लोगों को ही एंट्री करने की अनुमति दी गई है। वहीं दूसरी तरफ मुख्तार के घर के बाहर भी उनके समर्थकों का हुजूम उमड़ता नजर आ रहा है, उनके समर्थक नारेबाजी कर रहे हैं, जिंदाबाद के नारे लगा रहे हैं। ये कालीबाग से सीधी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। को नहीं भूलना चाहिए कि लेकिन इस बात को नहीं भूलना चाहिए कि कितने मामले अंसारी पर दर्ज थे। यह नहीं भूलना चाहिए कि जेल में बंद कैसे उसने चुनाव जीता था, लेकिन वो घर आज खुद को आबाद महसूस कर रहे होंगे, जिनके घर में जिस तरीके से हमला हुआ, जिनके घर में जो जान गई, उसका सीधा आरोप अंसारी पर लगा था। न जाने कितने मामले इस तरीके से दर्ज। फिलहाल उसकी मौत हो चुकी है और मेडिकल रिपोर्ट भी बहुत जल्द साझा कर दी जाएगी। डॉक्टर्स से जो रिएक्शन सामने आने थे वो आ चुके हैं, और ऐसे में फिलहाल सुपुर्द खाक किया जा रहा है, मिट्टी में खाक हो चला है हामिद अंसारी।
मुख्तार अंसारी को सुपुर्दे खाक किया जा रहा है। ये बड़ी खबर है। कालीबाग में उन्हें सुपुर्दे खाक किया जा रहा है। जनाजे की नमाज के बाद शव को दफनाया जा रहा है। गाजीपुर के कालीबाग में भारी पुलिस बल तैनात है। सुरक्षा में कोई चूक नहीं होनी चाहिए, इसका खास ध्यान रखा जा रहा है। ये बड़ी खबर, अहम जानकारी आपको बता रहे हैं। लेकिन ये नहीं भूलना चाहिए कि यूपी का माफिया डॉन मुख्तार अंसारी, जो कि अपराध की दुनिया से लेकर राजनीति में शामिल हुआ था, अब वो सुपुर्दे खाक हो रहा है और न जाने कितनी अवैध संपत्ति उसने बनाई। हालांकि इसका खुलासा भी हुआ था, सरकारी एजेंसियों ने उसके पास 2020 में 608 करोड़ रुपए की ज्यादा की काली कमाई जब्त की, ध्वस्त उसे किया था। लेकिन उसके बाद भी न जाने कैसे अवैध संपत्ति जुटाई थी और कौन कौन से कारोबार में वो शामिल था, ये कहा नहीं जा सकता। न जाने कितने अवैध कारोबार में उसकी हिस्सेदारी थी। लेकिन फिलहाल चाहे अकूत दौलत की बात हो, चाहे कई दंगों की बात हो या मामलों की बात हो, क्योंकि करीब 150 FIR उस पर दर्ज थी। हालांकि ये भी कहा जाता रहा है कि उसका खौफ ऐसा था कि बगैर उसके मर्जी के पूर्वांचल में कोई भी ठेका या व्यवसाय कोई दूसरा नहीं कर सकता था। लेकिन कहते हैं कि हर किसी का अंत होता है, वो अंत हो चला है। सुपुर्दे खाक होने की तैयारी में, मिट्टी में खाक होने की तैयारी में मुख्तार अंसारी सुपुर्दे खाक किया जा रहा है। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। पहली तस्वीर उसके समर्थकों की है, लेकिन दूसरी तस्वीर जो है उसके जनाजे की है। नमाज अदा कर दी गई है जनाजे की और अब सुपुर्दे खाक की तैयारी है। हालांकि सुरक्षा कड़ी कर दी गई है ताकि किसी भी तरह की कोई शांतिपूर्ण तरीके को, उस माहौल को बिगाड़ने की कोशिश ना करे। ये भीड़ किसी भी तरीके से यह बयान नहीं करती है कि उसके पक्ष में या उसके समर्थकों में या उसके साथ में लोग कितने शामिल थे। लेकिन जिस पर 155 के करीब FIR दर्ज हो, न जाने कितने मामले दर्ज हो, वो आज सुपुर्दे खाक हो गया है और इसीलिए लोगों में कौतूहल का विषय है उसके जनाजे को लेकर भी। फिलहाल कालीबाग की तस्वीरें हैं जहां उसके शव को पहुंचाया गया, सुरक्षा में तैनात थे जवान। गाजीपुर से तस्वीरें हैं, मुख्तार अंसारी सुपुर्दे खाक किया जा रहा है। हालांकि परिवार वालों को भी सुरक्षा दी गई है ताकि उन्हें किसी तरह की परेशानी ना हो। और जिस कब्रिस्तान में दफनाया जा रहा है वहां पर सिर्फ परिवार वालों की भी एंट्री है। और सबसे खास यही है कि किसी भी तरीके की कोई चूक ना हो, गलती ना हो। सुरक्षा ऐसी है कि उस कब्रिस्तान में सिर्फ परिवार वालों को एंट्री है, जैसे कि फॉर्स इंडिया आपको हर एक जानकारी दे रहा है। और ये खास तस्वीर, हालांकि यहाँ पर यह भी कहा जा रहा है, चाहे परिवार वालों की तरफ से मानकर चलिए या फिर अन्य लोगों की यहाँ पर ज्यादा भीड़ ना की जाए। प्रशासन के साथ साथ वो भी कंट्रोल भीड़ को करते नजर आ रहे हैं ताकि जो शांतिपूर्ण माहौल है उसे ना बिगाड़ा जाए। कुल मिलाकर मुख्तार अंसारी सुपुर्दे खाक हो रहा है, मिट्टी में खाक हो रहा है। और एक अवैध, चाहे संपत्ति की बात की जाए या अवैध उस डॉन की बात की जाए।